पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे पॉपुलरली MISB कहते हैं, एक ऐसी स्कीम जहां हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें हर महीने एज ए रेगुलर इनकम कुछ पैसे मिलते हैं जो सीधे सीधे हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं इसी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। आपको बताऊँगा आखिर क्या है ये MIS स्कीम, कैसे हम खोल सकते हैं इस MIS स्कीम को, और क्या क्या बेनिफिट मिलती है हमें इस पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में। और ये भी बताऊंगा 1 लाख, 4.5 लाख या फिर 9 लाख रुपए की अगर हम एक MIS स्कीम खोलते हैं पोस्ट ऑफिस पर, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे मंथली उस MIS स्कीम के अगेंस्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिस पर हमें रेगुलर मंथली इनकम मिल जाती है। MIS स्कीम का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम, और नाम से ही हमें पता चलता है ये एक ऐसी स्कीम है जो हमें मंथली इनकम प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के तहत हमें एक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट हमें अब एज ए इंटरेस्ट मिलती है, और उस इंटरेस्ट को हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसे मंथली स्कीम कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर हम खोल सकते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड एक स्कीम है, मतलब इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई होती है। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है, इसे खोलने के लिए हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर MIS फॉर्म को फिलअप करना है, और वहाँ हमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डाल देना है। डालने के बाद हमें अपने सेविंग अकाउंट को डालना है, नॉमिनी डिटेल डालना है, और उसके बाद हमें अपने फॉर्म को वहाँ सबमिट कर देना है, और उसके बाद हमारी MIS अकाउंट खुल जाएगी। और MIS अकाउंट जिस महीने खुलेगी उसके नेक्स्ट महीने से हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की, मतलब 5 सालों तक इसे हमें अपने जो भी MIS अकाउंट है उसे चलाना ही होगा, और उसके बाद अगर हम चाहें तो आफ्टर मेच्योरिटी फिर से हमारी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को केवल और केवल भारत के नागरिक ही खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उस पर जो मिनिमम अमाउंट है वो है 15,000 रुपये, और मैक्सिमम अमाउंट है 4.5 लाख रुपये अगर हम इसे सिंगल खोलना चाहते हैं तो, और अगर हम इसे अपने वाइफ या फिर अपने बच्चों के साथ जॉइंटली खोलना चाहते हैं तो हम एक MIS अकाउंट खोल सकते हैं, और उसकी जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगी वो होगी 9 लाख रुपये। तो अगर हम सिंगल खोलते हैं तो मिनिमम 15,000 से लेकर 4.5 लाख तो खोल सकते हैं, और अगर हम जॉइंटली खोलना चाहते हैं तो 15,000 से लेकर 9 लाख तक हम एक MIS अकाउंट को खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो MIS अकाउंट होती है उस पर जितने भी पैसे हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, मतलब जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर TDS भी डिडक्ट होगा और वो इनकम टैक्स पेएबल भी होगा। तो इसे आप गौर करके रखिएगा। ये तो थी पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को, अगर हम 1 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये और जो मैक्सिमम अमाउंट है जॉइंटली 9 लाख रुपये से खोलते हैं तो हमें हर महीने कितने रुपये मिलेंगे हमारे सेविंग अकाउंट में एज ए इंटरेस्ट। अगर हम 1 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो हर महीने 637 रुपीज़ हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 5 सालों तक, और अगर हम 4.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 2,868 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगी हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में 5 सालों तक, और अगर हम 9 लाख रुपये जो मैक्सिमम अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करते हैं तो 5,737 रुपीज़ हमारे सेविंग अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएगी 5 सालों तक। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले MIS अकाउंट की। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।